जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है। मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में, उनका उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। बेस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मालूम है आपको? इमारत बनाते हो, बिल्डिंग डालते हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहले नीचे का स्ट्रक्चर, नीचे का बनता है। जी सर। तो रनिंग में बेस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप चाहते हो मैं आपको किताब दे दूंगा एक, जो पूरा आपको समझा देगा कैसे करना है, पल्स रेट को कैसे यूज करना है, बेस ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये पूरा समझा देगा। आपका टाइम चाहिए सर? पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर, वो नियम तो ठीक ठाक था सर। उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। 4 साल का, 1 साल का तो ट्रेनिंग में ख़त्म हो जाएगा सर। 3 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा गरीब फैमिली से हैं सर। माँ बाप 200-250 मजदूरी करते हैं सर, उसके बाद हम लोग को पढ़ाते हैं। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर, और 20-25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। तो हम लोग गरीब फैमिली से हैं सर, उतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया तो उसके बाद हम लोग सर, ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सेना में जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से, मतलब 4 में से एक ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो? ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया? अच्छा, अगर हमारा युद्ध होगा तो किसके साथ होगा? चीन या पाकिस्तान? तो बिल्कुल नहीं। अब अगर हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ होगी, मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है? अब चीन का जो आर्मी है उसका पैसा कहाँ से आता है? वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था से नहीं आता वो। ये जब आप ये खरीदते हो ना, ये चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये जूते मेड इन चाइना, ये पैसा बन रहा है, उनके बजट में जा रहा है, उनकी आर्मी में जा रहा है, पहली बात ये समझो। अब उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है, हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है? हम ये तो नहीं बना रहे ना? नहीं सर। तो हमारा कहाँ से आ रहा है? हम लोग जो टैक्स देते हैं, किसके जेब से? हम अपने जेब से। पैसा आ रहा है टैक्स से, और पैसा किसके जेब से आ रहा है? अमीरों के जेब से आ रहा है, गरीबों के जेब से आ रहा है? तो सर हम लोग का कर्जा माफ। तो आर्मी में आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने 4 साल कर दिया, अग्निवीर कर दिया। अब सवाल यह है, 4 साल बाद पता लगेगा, हमें जिसको निकालना हम निकाल देंगे। अब पहली बात उसमें यह नहीं मालूम कौन निकलेगा। जी बिल्कुल पता। ये भी हो सकता है आदिवासियों को निकाल दें, दलितों को निकाल दें, पिछड़ों को निकाल दें, ये भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, मगर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया अगर इसको गोली लगी, और ये आर्मी वाला मतलब लॉन्ग टर्म वाला है, तो इसको हम शहीद का दर्जा देंगे, मगर इसको गोली लग गई, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक बात आपको समझनी है कि जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है। मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में, उनका उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के खिलाफ अग्निवीर में अन्याय हो रहा है। जो भी हम करेंगे आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। तब मेरा एक सवाल है, बोलो, ये अग्निवीर में जो है पहले पेंशन मिलता था, क्या कहते हैं, सेना में भर्ती होते थे पहले, तो हम लोग यदि शहीद हो जाते थे तो उसको पेंशन का जो व्यवस्था था ये पेंशन मिलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया। लेकिन ये सर, अच्छा एक बात बताओ, सुबह मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप जैसे लोग जाते थे, दलित आदिवासी ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी, ठीक है, सेना में आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को परे कर दिया, अदानी जी बना रहे हैं, अब राइफल अदानी जी बना रहे हैं, गोली भी अदानी जी बना रहे हैं। अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ वहाँ से भी रोजगार काट रहे हैं, प्राइवेटाइज करके यहाँ से भी रोजगार काट रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट में अरबपतियों को दबाकर पैसा बनाया जा रहा है, जो आपको आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, ठीक है, आपके पेंशन में जाना था, आपकी रक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था, हेलमेट में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जा रहा है। और आपके जो रास्ते थे
एक आर्मी में जॉब पाना, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना, BHEL में जॉब करना, वो सब बंद कर रहे हैं सर। अभी वर्तमान में हम जैसे लाखों हजारों युवा सर हजार रुपया दे के सर अग्निवीर में सर सिलेक्शन लेते हैं, किसी कारण बस ज्वाइन नहीं हो पाता है सर। तो आप सर अपोजिट के लीडर हैं सर, कभी आप भी सत्ता में आइएगा क्या सर, इस नीति को सुधारिएगा। हम सरकार में आएंगे, इसको सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों है, क्योंकि आज तक ये सरकार ने समझाया नहीं हमें, और अगर इसको रोल बैक करा जा सकता है तो हम इसको रोल बैक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेना हमें कहे कि देखो भैया हम रोल बैक नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर सेना कहेगी कि हम रोल बैक नहीं कर सकते तो फिर हम सेना से कहेंगे देखिए आपका पहला काम हिंदुस्तान के जवान की देखभाल करने का है, गारंटी हो कि भैया ये जो सेना चार साल करके आए हैं इनको इनको कुछ ना कुछ मिले, ये हम कर सकते हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ महीने पहले आप जैसे लड़के आए तो उनके साथ क्या हुआ, वो 150,000 लोग हैं, युवा हैं, आप जैसी ट्रेनिंग की उन्होंने और उनकी भर्ती हो गई, अग्निवीर से पहले की बात है, उनकी भर्ती हो गई, फिर उनको 3 साल लटकाया गया कि भैया तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे, पहले कहा कि भैया कोविड आया है इसलिए तुम्हें नहीं ले रहे, ठीक है, फिर उनको बोला कि देखो कुछ ही देर में हम ले लेंगे, 3 साल लटकाने के बाद उनको कहा भैया तुम्हें हम नहीं ले रहे। मगर आपको आर्मी ने लिया नहीं लिया, इनको तो ले लिया, इनको इनको इन्होंने ले लिया और फिर कहा कि भैया नहीं लेंगे, तो उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ इनका, तो उनकी भी थोड़ी बात करो। राहुल सर से जो मिले थे हम पहले सोचे कि बहुत बड़ा आदमी है, कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुत ही हिचक हो रहा था, हमको लगता नहीं था कि हम उतना बड़ा लीडर से मिल सकेंगे, लेकिन मिले, उसने जो जो जिस तरह से बात की उसका जैसा अनुभव रहा ऐसा लगा कि हम किसी दोस्त या फ्रेंड से बात कर रहे हैं। साधारण क्वालिटी के इंसान है, हमसे पूरा फ्रेंकली बात, जो जैसे दोस्त की तरह बात कर रहे थे। अग्निवीर के विषय में कुछ अपना बातें रखे, वो हमारा बात को जो है बहुत गहराई से सुने, उस पर निर्णय लिए, तो इसमें कहा कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जब हमारी सरकार आएगी तो इस पर बात रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।